चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल होगा वेस्टइंडीज का तूफानी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की लेगा जगह। बताएंगे कौन है ये गेंदबाज, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल 2024 के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 का सीजन अब ज्यादा दूर नहीं है, सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी बहुत ही जल्द अपना ट्रेनिंग कैंप शुरू करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन मैदान पर उतरेगी। आईपीएल 2023 में धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बार फिर से बेहतरीन नजर आ रही है और एक बार फिर से खिताब जीतने की प्रबल दावेदार भी होगी। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में इसी सीजन में मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल हुए थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ऑक्शन के दौरान मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के कुछ मुकाबलों से बाहर हो सकते हैं। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से आईपीएल के कुछ मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट घोषित कर सकती है। मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज समार जोसफ को अपनी टीम के साथ जोड़ सकती है। समार जोसफ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने के बाद चर्चा में आए हैं। आपको बता दें समार जोसफ अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। आपको क्या लगता है, क्या समार जोसफ को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।